हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबुल स्टडी। दोस्तों, हम रोज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहते हैं। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हमने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जिनका उत्तर आपको मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इन प्रश्नों को याद कर ले, आपके होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या एक। दो क्रमिक सम संख्याओं का मशा HCF क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एक, बी में है दो, सी में है पाँच, ऑप्शन डी में है तीन। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एक, बी में है दो, सी में है पाँच, ऑप्शन डी में है अनंत। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशा क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है एक, बी में है दो, सी में है पाँच और ऑप्शन डी में है छः। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चार। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आठ, बी में है नौ, सी में है तेरह, ऑप्शन डी में है पंद्रह। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेरह। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच। 625 के अभाज्य गुणनखंड में पाँच का अधिकतम घातांक क्या है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आठ, बी में है नौ, सी में है तेरह, ऑप्शन डी में है चार। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या छः। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म में क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कोई हल नहीं, बी में है एक हल है, सी में है दो हल है, ऑप्शन डी में है अनंत हल है। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक हल है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सात। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कोई हल नहीं, बी में है एक हल है, सी में है दो हल है, ऑप्शन डी में है अनंत हल है। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई हल नहीं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आठ। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है तीन, बी में है छः, सी में है आठ, ऑप्शन डी में है एक। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या नौ। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है, तब उनके हल क्या होंगे। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है तीन, बी में है छः, सी में है आठ, ऑप्शन डी में है अनगिनत। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनगिनत। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 30,600, बी में है 20,100, सी में है 40,200 और ऑप्शन डी में है 60,100। दोस्तों बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20,100। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद ब्याशी है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 15, बी में है 20, सी में है 21, ऑप्शन डी में है 60। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 1 और 200 के बीच कितनी संख्या है। 7 का अपवर्तय है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 15, बी में है 20, सी में है 21, ऑप्शन डी में है 28। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किसी एपी का दूसरा पद 4 तथा सातवां पद -11 है, तो सर्वा अंतर क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 2, बी में है 3, सी में है -2, ऑप्शन डी में है -3। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, -3। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है समरूप, बी में है सर्वांगसम, सी में है समा अनुपाती, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समरूप। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है आर्यभट्ट ने, बी में है यूक्लिड ने, सी में है थेल्स ने और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थेल्स ने।
दोस्तों इसी प्रश्न के साथ होता है आज का हमारा वीडियो खत्म। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।